रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा 25 नवंबर को परवाला में होने वाली जन क्रांति रथ यात्रा का न्योता देने नारनौंद हल्के के गांव का दौरा किया। गांव बांस में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सातवें चरण की इस रथ यात्रा में नारनौंद हल्के से ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने की अपील की। विकास में नंबर वन बनाने की बजाय प्रदेश को अपराध में नंबर वन बना दिया है भाजपा सरकार ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय विकास में प्रदेश पहले स्थान पर था। उन्होंने कहा कि 4 साल में 4 बार प्रदेश को जलाने वाली भाजपा सरकार अब तक की सबसे विफल सरकार साबित हुई है। जब पराली जलाने पर किसान के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उसी गांव के सरपंच व नंबरदार को सस्पेंड कर रहे हैं, तो 4 बार प्रदेश के जलाने वाले मुख्यमंत्री को भी सस्पेंड होना चाहिए। आज प्रदेश का किसान भूखमरी की कगार पर खड़ा है। फसलों की लागत 3 गुना बढ़ गई है। खाद डीजल दवाइयों के रेट आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के लिए अनेक योजनाएं बनाई थी जो भाजपा सरकार ने आते ही बंद कर दी। बीपीएल परिवारों को हमारी सरकार ने प्लॉट दिए थे जो भाजपा सरकार ने बीच में ही बंद कर दिए। मकान बनाने के लिए 80,000 रुपए हम बीपीएल परिवारों को देते थे, लेकिन 4 साल से इन्होंने कोई पैसा बीपीएल परिवारों को मकान बनाने के लिए नहीं दिया। प्रदेश में निवेश न होने से प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। सिर्फ झूठे वादे करने वाली सरकार का खिताब केंद्र व प्रदेश की सरकार को मिलना चाहिए। कैसे काम किए मुझसे ज्यादा आप जानते हो। हरियाणा प्रदेश जो देश में विकास के मामले में सबसे आगे वाले प्रदेशों में गिनती होती थी, इन 5 साल में उसको विकास में तो पीछे कर लिए गए और अपराध में आज देश में सबसे आगे के प्रदेश की गिनती हो रही है। हरियाणा की कानून व्यवस्था की विफलता में सबसे आगे वाले प्रदेश की गिनती हो रही है। हरियाणा की 5 साल में 4 बार हरियाणा में फौज बुलाने की नौबत आई, 5 साल में 4 बार हरियाणा को जलवाने का काम इस सरकार ने किया और भाईचारे को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। ये इस सरकार की उपलब्धि है। कई गाँव का प्रोग्राम नारनौंद हल्के का लोगों को निमंत्रण देने का कार्य प्रोग्राम है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जन क्रांति रथ यात्रा जो हरियाणा में हरियाणा के कोने कोने में पहुंच के अब हिसार जिले में पहुंचेगी। 25 नवंबर को बरवाला के अंदर एक बड़ी जनसभा के साथ इसका आगमन होगा हिसार जिले में। ये रथ यात्रा मैं उम्मीद करता हूँ, हमारा मानना है कि सबसे ऐतिहासिक हिसार जिले में इसका आगमन रहेगा। बाकी जो प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं, ये बीजेपी जो सरकार है ये पूरी तरह विफल हो चुकी है। इस सरकार ने हरियाणा को आगे लेके जाने के पीछे ले धकेलने का काम किया है। कोई वर्ग इस सरकार से खुश नहीं, किसान, गरीब आदमी, नौजवान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, कोई वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। समय आ गया है कि जो जिस तरह का अन्याय इस सरकार ने लोगों के साथ किया, लोग वोट की चोट से उसका बदला लें। मेरे प्रदेश का दुर्भाग्य कि इस भाजपा की सरकार वित्त मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी तक और केंद्र से लेकर और प्रदेश तक इन 5 साल में काम करने की बजाय 2 काम किए इन्होंने। एक हुड्डा साहब पर निशाना साधा, लगातार 5 साल से हम इनके निशाने पर रहे मगर हमारी आवाज़ को दबाने की इन्होंने कोशिश करी कि भाई ये इस तरह की बात करके शायद हमारी आवाज़ को कमज़ोर करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ केंद्र में बैठे सारे इनके सरकार के मंत्रियों से लेके प्रदेश की सरकार तक हमारी आवाज़ सच की आवाज़ है। हमारी आवाज़ कभी किसी के आगे दब नहीं सकती और ये अपनी गलत फहमी दूर कर लें अपनी। 5 साल इन्होंने जोर लगा लिया, हम पे डट के निशाना साधा, 5 साल तक काम करना, प्रदेश के लोगों के हित में काम नहीं किया, केवल हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई करने पे और हमारे को निशाना साधने पे इन्होंने अपना समय लगाया और आज भी हम यूं के यूं खड़े हैं। मैं इनको चुनौती देना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़, क्योंकि हमारी आवाज़ सच की आवाज़ है। हमने हरियाणा के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जिस तरह की राजनीति हरियाणा में बीजेपी ने करने की कोशिश करी है उस राजनीति के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और हम अंत तक वो जो है आवाज़ उठाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने दूसरा काम एक और किया है। 2 काम करते हैं पूरे हमारे प्रदेश में, जो भी मजबूत इनको आवाज़ दिखती है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। पूरे देश में ये काम करते हैं, केवल हरियाणा में नहीं, और हरियाणा में उन्होंने हुड्डा साहब पर निशाना साधा। दूसरा काम, ये लोगों को भाई से भाई को लड़ा के राजनीति करते हैं। ये जो है कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर आपस में जो है लोगों को भाई को भाई से लड़ा के राजनीति करते। इसके अलावा भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं हरियाणा में और इसीलिए आने वाले समय में हरियाणा के लोग सही समय पे हरियाणा की इस भाजपा सरकार को अलविदा कहने का काम करेंगे।
मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार पद पे, सबसे हरियाणा के जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति यानी कि मुख्यमंत्री के लेवल पे, ये सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस बयान से तो कहीं ना कहीं, और वो गृहमंत्री भी है मुख्यमंत्री, जो इनके राज में महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में सबसे नंबर एक पर हरियाणा पहुंचा, उसका पूरा ब्लेम वो महिलाओं पे ही डालने का प्रयास दिखाई दिया ये, और इससे तो महिलाओं पे अपराध और बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें तो मुख्यमंत्री जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश की महिलाओं से। आपस में जो है उनका जो एक पारिवारिक झगड़ा है, जिससे हरियाणा के लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, हरियाणा के लोगों का हितों का कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इनेलो का आगे आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में कोई मेरे को लंबा चौड़ा भविष्य और अस्तित्व नहीं दिखाई देता। जिस ग्राफ से ये नीचे गए इन 6 चुनाव में लगातार, मैं समझता हूँ आने वाले समय में और भी तेज़ी से ये नीचे जाएंगे। दो हमारे जो 2-3 जिले हैं, इन जिलों में जो इनेलो का अस्तित्व जो बचा भी है, वो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। इनेलो की एक बात मैं कहूँ, हम पिछले 5 साल से एक बात कहते थे कि इनेलो बीजेपी की भाषा बोलती है और हुड्डा साहब के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते, बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। इनेलो बीजेपी की भाषा बोलती थी, बीजेपी ने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर दिया, उस समय भी इनका इन विधानसभा में इन्होंने बीजेपी का ही साथ दिया और हुड्डा साहब के खिलाफ बोले, हम ये कहते थे तब, ये हमारे खिलाफ बयान देते थे। और अब इनके जो सांसद हैं उन्होंने स्वयं ये बात की कि भाई जो उनके चाचा हैं कि भाई जो अभय चौटाला हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, तो अब उन बात उन्होंने खुद बोल दी जो हम बात हमेशा कहते थे। मगर मेरे को एक और बात वो बताएं कि ये बात तो उनने तो बोली, मगर ये भी तो पिछले 5 साल से बीजेपी की भाषा बोल रहे थे, क्योंकि उनकी भाषा तो एक थी 5 साल से। वो अपना भी बताएं कि भाई 5 साल से लगातार लोकसभा में जब कभी मौका आया तो बीजेपी का उनने साथ का क्यों दिया। अब तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई अभय चौटाला बोलते हैं विधानसभा में, मगर लोकसभा में क्या होता था? जब लोकसभा में राष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों दी? उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तब उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों दी? मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जब आया, हम छाती तान के मोदी सरकार के खिलाफ वहाँ पे लोकसभा में खड़े थे, तब उन्होंने बीजेपी का साथ क्यों दिया? तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि अब वो अपने जो है इस तरह की बात कह रहे हैं तो उनका उनके ऊपर भी उंगलियाँ उठेंगी कि उनने जो 5 साल तक बीजेपी का साथ दिया, अब तो इलेक्शन में 2 महीने रह गए और आगे भी जो है ये दोनों जो ये पार्टियां हैं आगे भी इनकी अस्तित्व नहीं रहेगा, और जो थोड़ा बहुत रहेगा जितनी सीटें आएंगी वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, मौका आएगा।